हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे बीएससी बीटेक एंड सेकंड फर्स्ट ग्रेड के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो देखिए हम। और बिना कुछ समय की देरी के यदि आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल को ऑल पे प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही आएगा। तो देखिए हमारा जो दिया गया क्वेश्चन है, 1 + y² को dx tan इनवर्स y माइनस एक्स dy। तो इस ऑर्डिनरी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो पहले दी है अवकल समीकरण वो हमने लिखी 1 + y² dx = tan inverse y - x dy। ओके, अब हम क्या करेंगे, dx अपॉन dy के रूप में लिखेंगे, क्योंकि यदि हम dy अपॉन dx के रूप में लिख के इस अवकल समीकरण को हल करें तो ये अवकल समीकरण लॉन्ग हो जाएगी। तो इस जटिल अवकल समीकरण को सरल रूप में हल करने के लिए हमने dx अपॉन dy के रूप में लिखा। तो देखिए dx अपॉन dy और ये कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा 1 + y² उस पक्ष में भेज देंगे और इसको उस पक्ष में ला देंगे। तो देखिए dx अपॉन dy tan इनवर्स y के अंदर 1 + y² का भाग दिया और माइनस x अपॉन 1 + y², ठीक है, अलग अलग रूप में लिखा। तो देखिए dx अपॉन dy प्लस एक्स, इधर ये माइनस का उधर उस पक्ष में आ जाने का प्लस प्लस एक्स, यानी कि नीचे 1 अपॉन 1 + y² के साथ गुणा हो रहा है = tan इनवर्स y 1 अपॉन 1 + y². अब इसका IF निकालेंगे। देखिए इंटीग्रल फैक्टर E = PDX या ये फॉर्मूला होता है E की पावर समाकलन करना PDX। अब हम X के सापेक्ष करें तो यहाँ पर PDY आएगा। ओके, तो देखिए ये Y वाला हमें देखना है, Y वाला कौन सा है, ये 1 अपॉन 1 + y² है ना, तो 1 अपॉन 1 + y² अब हमें पता है कि 1 अपॉन 1 + y² या 1 अपॉन 1 + x² क्या होता है, tan inverse y हो जाएगा, है ना, इसका समाकलन हो जाएगा e^(tan inverse y). देखिए यहाँ पर IF हमने निकाल दिया, अब हम संपूर्ण हल निकालते हैं। तब हम क्या करते हैं, x के साथ जो भी इस x के साथ किसका जो भी इंटीग्रल फैक्टर आया है उसका गुणा करते हैं। ओके, देन हम क्यों यानी कि जो भी ये होता है इसका वापस इंटीग्रल फैक्टर के साथ गुणा कर समाकलन करते हैं, है ना। तो देखिए अब हम इस अवकल समीकरण को हल करने के लिए यहाँ पर जो भी tan इनवर्स y है इसको हम t मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 + y², इसका अवकलन हो जाएगा dy = dt। तो देखिए अब 1 अपॉन 1 + y² dy = ये इसकी जगह हम dt लिख सकते हैं और e^(tan inverse y) यहाँ पर सॉरी tan इनवर्स y की जगह हम t लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर t हो जाएगा, यहाँ पर et हो जाएगा और ये इसकी जगह हम लिख सकते हैं dt, ठीक है। तो t डॉट इसकी जगह et हो जाएगा और dt, अब हम इसका समाकलन निकालते हैं। तो देखिए t आ जाएगा और फर्स्ट का हम इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं ना, तो पहले का कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे का समाकलन e^(tan t) हो जाएगा माइनस फर्स्ट का अवकलन, t का अवकलन एक हो जाएगा और e^(tan t) का समाकलन क्या हो जाएगा, e^(tan t) होगा, क्योंकि e^(x) का क्या होता है, e^(x) ही होता है, तो e^(tan t) होगा। वापस समाकलन करेंगे तब या e^(tan t) का वापस समाकलन करेंगे तो भी e^(tan t) होगा। अब देखिए e^(tan t) यहाँ पर दोनों है तो e^(tan t) हमने कॉमन लिया और e^(tan t) कॉमन लिया, यहाँ से t और यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा। तो t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, t की जगह हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर t माना था tan इनवर्स y, तो e^(tan t) की जगह हमने tan इनवर्स y लिखा, कोष्टक tan इनवर्स y -1। अब देखिए वही x e^(tan inverse y) वही आप लिख दो जहाँ जहाँ है और e^(tan inverse y - 1 + c, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सी इस पक्ष में रखते हैं और बाकी को उस पक्ष में भेज देते हैं, तो e^(tan inverse y) था इधर, ठीक है, तो e^(tan inverse y) और इस पक्ष में भी है, दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं, e^(tan inverse y) हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर x हो जाएगा कॉमन और माइनस ये उस पक्ष में आ जाएंगे, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये प्लस का tan इनवर्स y क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -tan inverse y + 1। यहाँ पर देखिए x = अब हमें x का मान निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या x या y के बराबर में लिखनी है, जो भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको संपूर्ण हल निकालते हैं। तो देखिए x = क्या हो जाएगा, x = अब क्या करते हैं, ये e^(tan inverse y) इसके वहां पर भेज देता है, ठीक है, तो इसके c के ये गुणे में उधर जाके भाग में हो जाएगी, तो c = e^(tan inverse y) प्लस ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो देखिए tan इनवर्स y प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। अब हम देखिए x =
सी यहाँ पर टेन इनवर्स वाई माइनस वन, टेन इनवर्स वाई माइनस वन प्लस सी ई टू द पावर ये प्लस का टेन इनवर्स वाई इसको ऊपर भेजेंगे घात में तो माइनस का टेन इनवर्स वाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नई वीडियोस के साथ ऐसे ही, और बीएससी बीटेक रिलेटेड मैथ्स एंड फिजिक्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना क्योंकि ये काम फ्री का होता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।